और इससे पहले सीएम योगी ने कल ही बता दें कि डबल स्ट्राइक कर दी थी और जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन भी पाकिस्तान की तबीयत खराब कर दी। इससे पहले जब योगी ने पाकिस्तान को कैंसर बताया था और अब उन्होंने पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे इसका भी जवाब दिया है। योगी ने कहा कि एक शर्त पर पीओके भारत में मिल सकता है, वो शर्त क्या है आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग। पाकिस्तान आज परेशान है दो कारणों से। अभी तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ही आया है। पाक के कितने टुकड़े, योगी क्या बोले? तीन भागों में बट जाएगा, पाकिस्तान का आता पता नहीं लगेगा। पीओके कैसे मिलेगा, योगी का जवाब आएगा। पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली का आज दूसरा दिन था और आज भी उनके रडार पर विपक्ष से ज्यादा पाकिस्तान ही था। रामनगर से कठुआ तक योगी की जनसभाओं में भीड़ भी जबरदस्त थी और बॉर्डर से पाकिस्तान पर जुबानी हमला भी उतना ही जबरदस्त। पाकिस्तान की सह पर भारत के अंदर आतंकवाद की नर्सरी को फैलाने का कार्य करेगा तो उसके लिए दो टुक जवाब भी है कि अगर आतंकवाद फैलाओगे तो न तो ढकने के लिए कफन का कपड़ा मिलेगा और न दफन करने के लिए दो गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। कल की ही तो बात है, योगी ने पाकिस्तान को कैंसर बताया था और आज उन्होंने पाकिस्तान के तीन टुकड़े करने की भविष्यवाणी कर दी। ये पाकिस्तान परस्त आतंक भी जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को किस रूप में चुकानी पड़ेगी। तीन भागों में बट जाएगा, पाकिस्तान का आता पता नहीं लगेगा। पाकिस्तान को लेकर योगी की कॉन्फिडेंस की दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, पीओके से लेकर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बगावत तेज हो रही है और दूसरी वजह है चुनावी। योगी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तीन हिस्सों में बटेगा, अगर ऐसा हुआ तो वो तीन हिस्से कौन कौन से हो सकते हैं वो सुनिए। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। सिंध पाकिस्तान के जुल्म से परेशान है तो खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मिलने के लिए बेकरार है और बलूचिस्तान ने तो इस्लामाबाद के खिलाफ आजादी की मुहिम चला रखी। आज जो स्थिति वहां उन्होंने पैदा की है उसको देखते हुए अब तो बलूचिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तानी हमें विदेशी कहते हैं तो हमें अब पाकिस्तान में नहीं रहना है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्या होगा जहां शहबाज सरकार और जनरल मुनीर के खिलाफ इंकलाब बुलंद है। जहां लोग अब पाकिस्तानी फौज के जुल्म का जवाब उसी की जुबान में दे रहे हैं और इसीलिए योगी ने जम्मू कश्मीर की जनता को कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि पीओके कश्मीर में मिलने के लिए तैयार बशर्ते। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है, वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखो मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए। और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए, वह भी कह रहा है हमें भी विकास चाहिए। योगी ने कटोरा लेकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले को मंच से सुनाया जिसमें इस्लामाबाद की नौबत प्यासा मरने की आ सकती है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में, भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत ने वहां के लोगों को कहां पहुंचा दिया है। अभी तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ही आया है,
और अब तो मोदी जी ने कह दिया है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। और अब आखिर में आपको योगी आदित्यनाथ का वो गीत सुनाते हैं जो वो बचपन में गाया करते थे। खुद योगी ने चुनावी रैली से लोगों को इस गीत के बोल सुनाए। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चिनाव नहीं है। जम्मू कश्मीर की रैली में पाकिस्तान पर योगी का फोकस इसलिए भी ज्यादा रहा क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को यानी 3 दिन बाद ही होना है और योगी खुद भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान पर जितना ज्यादा बरसेंगे तालियां भी उतनी ज्यादा ही बजेंगी और क्या पता वोट भी बरस जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।